मैडम जी, हमने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया था 30 अप्रैल से, और हमारे गांव में करीबन 12 लड़के मर चुके हैं, और जो 28 तारीख को लड़का मरा, फिर हमने एक अभियान चला दिया नशा मुक्ति, क्योंकि हम वाल्मीकि दलेर को हम डरते नहीं किसी से। और 5 तारीख को हमने फिर मीटिंग 5 मई को रख ली, हमने मीटिंग रख ली, पूरा गांव सपोर्ट में खड़ा हो गया, हमने नशा मुक्ति अभियान चला दिया, रैलियाँ निकाली हमने, और जो नशा बेचते थे उनको पकड़वाने की कोशिश करी, बड़े बड़ों को पकड़वाया हमने, पूरा गांव ने सपोर्ट किया हमारी। और एक दिन अब पीछे 29 तारीख को 28 तारीख को कोई भैया का लड़का था जो टिब्बी से कोई नशा लेकर बचेर गांव की तरफ से जा रहा था, तो उन्होंने नशेड़ियों ने आपस में लड़ाई कर ली, उनसे नशा खोस लिया और उनके चोट फेट भी मार दी। तो हमारे गांव वालों ने ये साजिश मना के भी ये नशे का इल्ज़ाम इस पे लगाया जाए, तो ये अंदर जेल में चला गया, तो हमारा कारोबार खुले तरीके से चलने लग जाएगा। तो मैडम जी, इसी तरीके से मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, और मैंने ना किसी की कोई डकैती करी है, ना किसी से कोई पोस्ट खोसा मैंने, ये बात थी मैडम जी। ये हमारे गांव के जो जानकार बंदा था, तो उसने मेरे को आवाज लगा दी, और एक भैया का था भीमसेन खिचड़ा का, और एक बनी का कुलदीप झोलड़ा, उसने आवाज़ लगाई मेरे को, कहा इधर आना नरसी, बात करते थोड़ी सी। और मैं धूप में खड़ा था, मेरे को बोला कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, और मैं गाड़ी में बैठ गया उनके साथ, तो वो उन्होंने गाड़ी लॉक कर ली और गाड़ी भगा ली, और आगे से एक बंदा इधर बैठ गया, एक बंदा इधर बैठ गया, और मेरा फ़ोन भी छीन लिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को किसी को पुलिस चौकी में या सरपंच के पास किसी के पास फ़ोन करने का मौका नहीं दिया, तो आगे उन्होंने किसी को फ़ोन किया भी बंदे को हम लेके आ रहे हैं, और आगे करीबन 10-11 मोटरसाइकिल, उन पे 3-3, 4-4 बंदे बड़े बड़े लठों के साथ चढ़ के आए, और उन्होंने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने बोला भी तू ये पोस्ट तेरे पास है, तू तेरे को हांग करना पड़ेगा, मेरे को कूटमार भी करी, मेरी वीडियो भी उन्होंने बना ली। तो मैंने उनको बोला भी तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही बोल दूंगा, लेकिन ये पोस्ट मेरे पास नहीं है, ये हम तो हमारे गांव में पहरा देते हैं, हमारे बनी गांव की ये जिम्मेवारी है हमारी, और हमारे गांव के लड़के मिलके पूरी टीम मिलके हम पहरा देते हैं, अपने गांव की सपोर्ट करते हैं, हमें दूसरे गांव से कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं पर कुछ करें। मारपीट करने वाले मैडम जी बहुत ज़्यादा लोग थे, तो वो उन्होंने मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं यही मांग कर रहा हूँ भी इनको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर हमारे गांव में अगर कोई भी दलेर कौम में कोई भी भाई उठता है, अगर यही उसके साथ होता रहा, कल कोई किसी का बलात्कार हो जाए बहन बेटी का, तो वो डरता कोई उगवाई नहीं देगा, क्योंकि उसको डर लगेगा अभी मेरे को मार ना दे, ये ना कर दे, कल को सरेआम कोई कत्ल हो जाता तो ही बंदे डरने लगेंगे। प्रशासन का फुल सहयोग था, प्रशासन से रेड भी मारी, घर घर में रेड मारी जाके, प्रशासन का फुल सहयोग था, और हमारे गांव बने राम सिंह सारन का फुल बड़ा सहयोग दिया, सब ने सहयोग मिल के, पूरे गांव ने सहयोग दिया अपने बच्चों को बचाने के लिए। अभी तक जी कोई नहीं पहुंचा, ना ही अभी तक कोई मेरा ट्रीटमेंट हो गया। एक नर्स ने जी एक इंजेक्शन लगा के गई दर्द वाला, और मेरे को इतनी ज़्यादा गहरी चोटें मारी है और खून की भी उल्टियाँ लगने लगी हैं। जो मेरे गांव के थे कुलदीप झोल्ड सनो पालाराम बनी नंबर एक था रामचंद्र झोल्ड लालचंद्र, एक था कुलदीप सनोफ ओम प्रकाश झोल्ड, एक था कुलदीप बराड़ जो बाइया के अगे, एक था भीमसेन खिचड़ बाइया के, एक जस्सा सिंह बलदेव सिंह, ये लड़का नशा लेके आए थे, इसको चोटपट इसके साथ वारदात, तो ये इल्ज़ाम मेरे पे लगाया गया।